अमरीका ने तो एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने, एक गोली शायद और एक निशाने लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्चुनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर, जो रेड हुडी पहना था, दो लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट, तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्चुनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि कौन हो सकते हैं आखिर। नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर भी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह करम में खैरियत से। सर, एक मिनट, सर, एक मिनट, सर, बात।